हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी के एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ Redmi Note 7 और Note 7 Pro के लिए एक इम्पॉर्टेंट एसेसरीज़ के बारे में, जो कि आपको ज़रूर लेनी चाहिए अगर आपके पास Note 7 Pro आपने लिया है, क्योंकि ये बहुत चीज़ में आपके लिए यूज़फुल होगी। मल्टी टास्किंग आपकी यहाँ पे हो सकती है आपके इस एक एसेसरीज़ की वजह से। तो यहाँ पे कवर की तो बात नहीं कर रहा हूँ, कवर में कोई मल्टीटास्किंग नहीं है, हालांकि मैंने कवर की वीडियो डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो, आई बटन में लिंक दे दूंगा। और क्या मस्त यहाँ पे फ़ोन लगता है कवर के साथ, तो इस चीज़ के लिए यार काफ़ी अच्छा यहाँ पे Xiaomi वालों ने करा है। तो यहाँ पे इसको रखते हैं साइड में और पहले आ जाते हैं हमारी जो मेन एसेसरीज़ है, जिसके बारे में मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे है ये हमारी मेन एसेसरीज, जो कि है मी की 2-in-1 USB केबल, माइक्रो USB टू टाइप सी। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास Note 7 है या Note 7 Pro है, क्योंकि यार अब आप जानते हो, क्योंकि Note 7 में आपको मिल जाता है टाइप सी, और आई डोंट थिंक कि आपके डेली यूजेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता होगा टाइप सी, क्योंकि अगर आप कभी एयरफोन में आपके पास ब्लूटूथ वाले उसमें चार्ज करोगे तो आपको USB मिलेगा, माइक्रो USB। साथ ही साथ अगर आप पावर बैंक यूज़ करते हो उसमें भी आपको माइक्रो USB ही मोस्टली देखने को मिलेगा। तो हर जगह मोस्टली आपको माइक्रो USB देखने को मिलता है। तो यार आप बार बार चेंज करो वायर में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मेरे पास, मैंने अभी रिसेंटली रिव्यू करा था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है माइक्रो USB ब्रेडेड केबल, जिसको मैं यूज़ करता हूँ अपने Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 6 Pro और बाकी सारी चीज़ को चार्ज करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छे से अभी चल रहा है। इसका रिव्यू मैंने डाला था, आई बटन में लिंक दे दूंगा, और ये अभी ही लॉन्च करा था Xiaomi वालों ने ब्रेडेड केबल को, लेकिन ये है माइक्रो USB केबल। और व्हाट द हेल यार, क्या मस्त क्वालिटी आपको इस केबल में देखने को मिलती है, चाहे मोड़ दो मड़ोड़ दो कैसे भी रख दो, इन दी एंड आपको इतनी अच्छी क्वालिटी इसमें देखने को मिलेगी कि आप इसको कभी छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन यार इसमें एक चीज़ की कमी अब पड़ जाएगी कि आपको माइक्रो USB केबल देखने को मिलती है, जो कि हमारे Note 7 में नहीं जाएगी और हम इसको चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, तो एक ही सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप या तो जो इनबॉक्स में मिलती है उससे बदलते रहो, बार बार दूसरी चीज़ से चार्ज करने के लिए बार बार ये करते रहो, वरना अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो तो मी की 2-in-1 USB केबल ज़रूर ले लो। लिंक मैं आपको इसका सबका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, Amazon, Flipkart पे हर जगह मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ मॉडल नंबर वाइट मिलेगा, वाइट में ही यहाँ पे आती है और अक्टूबर 2018 की यहाँ पे आपको ईयर मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगी। थोड़ी पुरानी चीज़ है, लेकिन आपके इसकी फास्ट चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है, क्विक चार्ज 3.0 तक आई थिंक यहाँ पे आपको सपोर्टेड मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको पूरा टेस्ट करके दिखा दूंगा कि कितनी यहाँ पे क्विक चार्ज आपको देखने को मिलती है और कितनी नहीं मिलती है, तो वो सब चीज़ों के लिए स्टे ट्यून्ड। और यहाँ पे मैं Qualcomm का 3.0 का क्विक चार्ज यूज़ कर रहा हूँ, जो कि Elcare कंपनी की तरफ से आता है। तो काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ अपनी डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए, काफ़ी अच्छा यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हो आपको एक 3 टाइप की 3 USB मिल जाती है, क्विक चार्ज सपोर्ट करती है और बाकी दोनों आपकी सिंपल चार्जिंग की आपको मिलती है। तो देख सकते हैं 5 वोल्ट, 2.2 एम्पियर और 2 एम्पियर और 1.5 एम्पियर, ये आई थिंक क्विक चार्ज 2.0 तक ही सपोर्ट करती है। तो आप देख लेना, आई थिंक मुझसे गलती होगी, क्विक पॉइंट 3.0 नहीं होगी, वरना मैं आपको आगे पूरा यहाँ पे टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कितने एम्पियर आपको देखने को मिलती है। सब चीज़ मैं लेके बैठा हुआ हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, थोड़ी सी लंबी हो जाए तो देख लेना यार एंड तक, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एंड में मैं डाउट भी क्लियर करूँगा कि लोग बहुत पूछते हैं कि आपका इसके साथ ये OTG चलेगा कि नहीं चलेगा, तो एंड तक मैं ये भी आपको पूरी बताने की कोशिश करूँगा किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर ये नई पैकेजिंग में आती है और ये बाहर निकल गई और ये आपको सिंपल सी तार देखने को मिल जाती है। आई डोंट थिंक कि इतनी अच्छी मुझे लग रही है, क्योंकि जब आप एक बार ये ब्रेडेड केबल यूज़ कर लोगे ना, तो उसके सामने सारी केबल आपको फीकी लगने लगेगी, जो चीज़ यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है। हालांकि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वाइट कलर में आपको देखने को मिलती है, आई थिंक इसकी सेम क्वालिटी आप जो आपके इन द बॉक्स मिलती है, क्वालिटी के मामले में सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी, उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहता है, इसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 100 मीटर लॉन्ग आपको देखने को मिलेगी, तो मोर देन इनफ है, काफ़ी अच्छे से आप इसको चार्ज कर सकते हो अपने फ़ोन्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है इसकी 2-in-1 ट्रिक केबल, जो कि आपके Note 5 Pro के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे रहेगी। हालांकि आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो सिंपली, और थोड़ा टाइट है यहाँ पे फर्स्ट यूज़ के लिए, और इस तरीके से आप यहाँ पे माइक्रो USB
बना सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फोकस कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको लगा सकते हो, चाहे माइक्रो यूएसबी केबल लगा लो या क्विक चार्ज ये वहाँ पे लगा लो, तो आपके दोनों फ़ोन में आप इसको एक साथ चार्ज कर सकते हो कि नहीं, ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा। तो मेन चीज़ यहाँ पर आप देख लो कि इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर इस तरीके से आप इसको सिंपली चार्ज में लगा सकते हो। तो यहाँ पर इसको लगा दिया मैंने, और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ चार्जर से, और देखते हैं कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो देख सकते हो चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, कुड नॉट रिकॉग्नाइज, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं चल रहा है, और फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो दिखा तो रहा है फास्ट चार्जिंग, और बैटरी ड्रेन ऑन बैटरी 8 घंटा इतना सब आपको दिखा रहा है। तो चार्जिंग फास्ट तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, और मैंने फास्ट चार्जिंग में ही इसको प्लग इन भी करा हुआ है। तो अभी रुक जाइए, मैं अभी आपको पूरा इसमें टेस्ट करके दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, कितने एम्पियर तक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पे इसमें हम लगा लेते हैं इसमें एन पे, और इधर लगा लेते हैं इसको। तो आप यहाँ पे ये चार्जर देख पाओगे 6.3 आपको वॉट तक देखने को मिल जाएगा, और 2.5 एम्पियर तक आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे क्विक चार्ज आपको 2.0 मिल जाएगी। तो 5 वॉट में आपको देखने को मिल रहा है, 6.3 तक गया है और ये 2.5 एम्पियर तक चला गया है, जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग दिखा रहा है, और ये 6.0 वॉट तक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये केबल आपकी सपोर्ट करती है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, आपको 6 वॉल्ट तक देखने को मिल जाएगी यहाँ पे क्विक चार्ज, यानी क्विक चार्ज 2.0 तक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अच्छा खासा आपको चार्ज हो जाएगा। हालांकि अभी तक क्विक चार्ज 4.0 का आपको चार्जर नहीं मिलता है Xiaomi की तरफ से, तो आपको ना ही उसकी तरफ से उसकी तार मिलती है। तो मेनली हो सकता है जब Xiaomi वाले लॉन्च करें तो जल्दी से आपको तार भी मिल जाए, लेकिन तब तक के लिए आई डोंट थिंक कि आपको ये वाली तार मिलेगी 2-in-1 वाली, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। सिंपल वाली तार मिलेगी तो उसमें फिर से वही झंझट होता रहेगा। तो अगर आपको ये पसंद आए तो चेक कर लेना। उसके अलावा अभी मैं आपको चेक कराता हूँ कि दो केबल आप एक साथ चला सकते हो कि नहीं। आपको पता चल ही गया होगा कि आप दो केबल एक साथ नहीं चला सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत टाइट मिलती है और ये बाहर नहीं निकलती, ऐसा जोक है, ठीक है। तो दो केबल आप एक साथ क्यों नहीं चला सकते, क्योंकि आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये एक ही पावर देने वाली केबल है, यहाँ से कोई पावर नहीं आता है, ये सिर्फ यहाँ पे लगी हुई है ताकि इसको आप यहाँ पे इसको लगा पाओ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, पावर सिर्फ यही दे रही है, ये पावर नहीं दे रही है। तो इसलिए आप अगर दो फ़ोन को एक साथ लगाओगे तो आपका चार्ज नहीं होगा। मैं आपको एक बार फिर से लगा के दिखा दे रहा हूँ, एक इधर लगा दिया, और अगर आपको विश्वास नहीं है, और एक इधर यहाँ पे Note 5 Pro है, तो उसको भी मैं यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से लगा ही देता हूँ। अब ये है चार्जर, अब इसको चार्जर में लगा देता हूँ, और आप देखो दो फ़ोन एक साथ चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली वो तो चार्जिंग पे शुरू हो गया है, लेकिन ये चार्ज नहीं हो रहा है। Note 5 Pro आप देख सकते हो कि चार्जिंग पे शुरू हो गई है, और Note 7 नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो कि सिंपली आप एक ही चार्जर को एक बार में लगा पाओगे, और दो लगाने की आप गलती मत कर देना। तो एक बार में एक ही यहाँ पे चार्ज होता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट में कि आपको USB ये OTG केबल लगता है कि नहीं, क्योंकि यार यहाँ पे OTG में आपको माइक्रो USB ही देखने को मिलती है। अब मैं इसको कैसे लगाऊँ तो बहुत झंझट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे इसको लगा लेते हैं अंदर, जो आपको सिंपल मिलती है। तो तार को प्लग इन नहीं करेंगे, और सिंपली यहाँ पे इसको प्लग इन करते हैं OTG ड्राइव को, और यहाँ पे मैंने इसको OTG ड्राइव को प्लग इन कर दिया है, और आई थिंक यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर ली है, नहीं तो डिटेक्ट नहीं करी है, और ये क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको ये OTG शो करेगा। तो OTG यहाँ पे सही से लगी नहीं आई थिंक। फिर से मैं एक बार लगाने की ट्राई करता हूँ, इसमें लगा दिया है, आप देख सकते हो गाइस, तो तब भी यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं ले रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे आप फिर से इसमें निराश हो जाओगे कि यहाँ पे ये OTG सपोर्ट नहीं करता है। तो ये चीज़ भी आपको एक अलग देखने को मिलेगी। हालांकि ये जो पोर्ट है काफ़ी ज़्यादा टाइट है इस टाइम, और जल्दी से लगता नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस बार मैंने फिर से पहले लगा दी है, और इसके बाद यहाँ पे अंदर लगाते हैं, तो देखते हैं OTG सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। फिर से आप देख सकते हैं OTG सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख पाओगे कि OTG सपोर्ट नहीं है। सिंपल आप इसको चार्जिंग के लिए सपोर्ट कर सकते हो, यानी अगर आपके पास दो तरीके का डिवाइस है कि जिसमें आपको USB और वो भी है, और आपको बार बार वायर चेंज नहीं करनी, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट साबित हो सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको बाई करना है तो लिंक मैं आपको नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके बाई कर ले एकदम, और
बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, सी या। लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको बाय करना है, लिंक मैं आपको नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके बाय कर